नमस्कार, आप देख रहे हैं मोक्ष चैनल, जहां पर मैं प्रिया पांडे आज के इस खास वीडियो में आप लोगों के लिए गणेश जी की उत्पत्ति से जुड़े दो ऐसे खास रहस्य लेकर आई हूं, जिसको जानने के बाद आप भी हो जाएंगे हैरान। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि 31 अगस्त से गणपति पप्पा जी आपके घर पधार रहे हैं, तो क्या आप जानते हैं कि गणपति जी का जन्म कैसे हुआ और उनके दो रहस्य जो अब तक आप नहीं जानते हैं, वो सब जानकारी आपको आज मैं इस वीडियो में देने जा रही हूँ। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। दोस्तों, गणपति जी का जन्म भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को हुआ था, लेकिन उनका जन्म कैसे हुआ था क्या आपको ये पता है? अमूमन आपके मन में भी बस एक ही कहानी चल रही होगी, लेकिन मैं आपको इससे जुड़ी दो कथाएं सुनाऊंगी जो कि पुराणों में पूरी तरीके से वर्णित है। दोस्तों, पुराणों में गणेश जी की उत्पत्ति की दो बातें लिखी गई हैं और दोनों ही एक दूसरे की विरोधाभासी कथाएं मिलती है। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को मध्याह्न के समय गणेश जी का जन्म दोपहर 12 बजे हुआ था, यह तो सही है, लेकिन उनकी उत्पत्ति हुई कैसे, इसे लेकर दो रहस्य पुराणों में वर्णित है। गणपति जी के उत्पत्ति के बारे में एक दंत कथा ये है कि देवी पार्वती ने उन्हें पाने के लिए व्रत किया था, जबकि दूसरी दंत कथा के अनुसार गणपति जी की उत्पत्ति देवी पार्वती की दो सखियों के कहने पर हुई थी। तो आइए गणपति जी से जुड़ी इन्हीं दो दंत कथाओं के बारे में विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, पुराणों के अनुसार देवी पार्वती ने पुत्र की प्राप्ति के लिए पुण्यक नामक उपवास किया था और इस उपवास का फल देवी पार्वती को गणपति जी के रूप में मिला था। दंत कथा के अनुसार इस व्रत के लिए शिव जी ने इंद्र से पारिजात वृक्ष देने को कहा था, लेकिन इंद्र ने इस वृक्ष को देने में अपनी असमर्थता जताई थी। तब भगवान शिव ने देवी पार्वती के व्रत के लिए पारिजात से भरे वन का ही निर्माण कर दिया था। दोस्तों, वहीं शिव महापुराण में गणपति जी की उत्पत्ति की कहानी अलग ही वर्णित है। शिव पुराण के अनुसार देवी की दो सखियां थी, जया और विजया। एक बार इन दो सखियों ने देवी पार्वती से कहा कि नंदी और सभी गण महादेव की आज्ञा का ही पालन करते हैं, ऐसे में आपके पास भी ऐसा गण होना चाहिए जो सिर्फ आपकी आज्ञा का पालन करे। तब देवी पार्वती ने इस गण के रूप में गणपति जी की रचना की। देवी ने गणपति जी को अपने शरीर के मैल से रचित किया था। गणपति जी की उत्पत्ति के ये दो रहस्य पुराणों में वर्णित हैं, लेकिन दोनों में ही उनके जन्म का दिन एक ही वर्णित है। दोस्तों, ये है दो बड़े ऐसे रहस्य जो लिखे तो हैं, लेकिन किस पर विश्वास किया जाए और किस पर नहीं, ये दोनों ही बड़ा मुश्किल है बताना। अमूमन आप ये तो जानते ही हैं कि माता पार्वती ने अपने शरीर के मैल से गणपति जी की उत्पत्ति की थी, लेकिन जो दूसरी कथा है कि किस तरीके से उपवास रखकर देवी पार्वती ने गणपति जी को पाया, ये जानकारी आप तक नहीं होगी। आशा करती हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल गया होगा कि गणेश जी की उत्पत्ति की जो पौराणिक कथाएं हैं वो क्या है और किस तरीके से गणेश जी की उत्पत्ति हुई थी। दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की खास वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कमेंट शेयर करके ज़रूर बताइएगा।